आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने हो रहे निर्माण कार्य में मंदिर और दरगाह के रास्ते को लेकर बीते कई दिनों से विरोध चल रहा है, लेकिन बीती रात अचानक मंदिर से मूर्ति गायब हो जाने के बाद लोगों का आक्रोश अब भड़क उठा है और बजरंग दल एवं बजरंग सेना के लोगों ने मिलकर रास्ते को पूरी तरह से जाम कर दिया है। शहर के कला मंदिर तिराहे में आग लगाकर रास्ते को रोक दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है, बावजूद इसके बजरंग दल अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल के सामने जहां प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहां पूर्व से मजार एवं मंदिर स्थापित है। बीती रात इसी मामले को लेकर एसडीएम रीवा मौके पर पहुंची थी और लोगों को आश्वासन भी दिया था कि रास्ता सामने से दिया जाएगा, लेकिन रातों रात यहां पर मंदिर के चबूतरे से मूर्ति गायब हो जाने के बाद अब लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। हालांकि बाद में तलाश करने पर पता चला है कि दुर्गा मां की प्रतिमा एक कोने में छुपाकर रखी गई थी, जिसके बाद लोग और आक्रोशित हो गए और अब नए मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन यहां नहीं पहुंचा है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इधर बजरंग दल एवं बजरंग सेना उग्र आंदोलन करने की बात कर रहा है। फिलहाल मंदिर से मूर्ति हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और लोगों का आक्रोश भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कारण उसका ये है, यहाँ पे मतलब यहाँ अवैध खनन किया जा रहा है या जो भी जैसा यहाँ पे जमीन बेची गई है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है, पता लगा है कि कोई शॉपिंग मॉल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले हनुमान जी को वहाँ पे अपनी स्थित मूर्ति है तो वहाँ पे पूजा अर्चना की गई थी और शासन प्रशासन को इस चीज़ को अवगत कराया गया था कि यहाँ पे जो ये मंदिर बना है इसका सौंदर्यीकरण करवा दें, इसको ऐसे मतलब खुदाई न की जाए जिससे उसकी हनन हो, नुकसान हो। कल भी आके यहाँ पे हमने इसको फोटोज़ लिया, वीडियोज़ लिया। यहाँ पे माता जी के मंदिर थी, आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, और वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर उधर पीछे उधर मजार है ना। एसडीएम मैडम कल आई हुई थी, उनको भी इस चीज़ को अवगत कराया गया। हमने मैडम की देख ली, ऐसे किनारे से खाना गया है जो गलत तरीका है, ये पेड़ गिर जाएगा, इससे नुकसान होगा। इतना कम से कम 200-300 वर्ष पुराना ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे पता नहीं कितनी माताओं बहनों ने यहाँ पे आके परिक्रमा करी है, पूजा करी है,
यहाँ पे मंदिर का चबूतरा बहुत बढ़िया बना गया था, जो हम आपको फोटो वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। अब सुबह आते देखा जाता है कि हम मंदिर ही गायब है, ये क्या तरीका है? प्रशासन को हम लोग सहयोग की उम्मीद रखते हैं, तो प्रशासन इस तरह से करवाएगा तो किसके पास जाएंगे? क्या, हमारे हम लोगों के हिंदू आस्था का केंद्र का जो है एकदम उखाड़ के फेंका जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए उसके उसमें ये चक्का जाम किया गया है कि हमको ये प्रशासन से उनको जवाब चाहिए और इसका निराकरण चाहिए। हमको इसका मंदिर के बजाय मंदिर बनवा के हमको दिया जाए तत्काल प्रभाव से, अन्यथा अगर ये नहीं सुना जाएगा यहाँ तो प्राण हत्या भी करने पे हम लोग मजबूर हैं। गायब हुई, इसकी एफआईआर आपने करवा दी क्या? है मंदिर की मूर्तियाँ गायब हो गई, क्या आपने शिकायत दर्ज कराई? नहीं, शिकायत अभी जल्द नहीं कराई, लेकिन एसडीएम मैडम प्रशासन को सबको अवगत करा दिया था, जिसका निरीक्षण करने खुद कल एसडीएम मैडम आई हुई थी। ये रातों रात अभी गायब, रातों रात कल आज गायब हुआ, आज की रातों रात गायब हुआ है, और कल ये शाम को एसडीएम मैडम आई थी, कल शाम को लगभग 6:30 के बीच। आशीष तिवारी, भजन सेना जिला अध्यक्ष। रात ये मूर्ति यहाँ पर थी बीचों बीच में, माता जी का मंदिर बना हुआ था बकायदे। कल ऐसी कोई बात नहीं की प्रशासन हमारे साथ गुमराह किया है। कल मैडम आई थी, एसडीएम मैडम आई थी, उन्होंने साफ साफ कहा, बात हुई कि भाई मंदिर का रास्ता और मजार का रास्ता सामने से दिया जाए, पीछे से दे रहे थे मजार का रास्ता, तो इसीलिए हम लोगों ने कह दिया मैडम यहाँ खड्डा है, श्रद्धालु लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने की कोई दुर्घटना ना घटित हो, तो ये गड्ढे हैं, तो मैडम ने कहा यहाँ से ब्रैकेटिंग करवा के सामने से हम रास्ता देंगे मंदिर के लिए हैं, ये कह के हम लोगों को आश्वासन दे के सबको गुमराह किया गया यहाँ से। ये बताइए सवेरे, ये सवेरे हमको जानकारी मिली, सीधे सीधे हमारे आस्था के साथ प्रशासन और यहाँ का ठेकेदार खिलवाड़ कर रहा है, ये बर्दाश्त कतई भजन सेना नहीं करेगी, इसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे हमको जेल क्यों ना जाना पड़े इसके लिए। हमारा मंदिर यहाँ था, अब तो नया मंदिर निर्माण करके हमको वहाँ बना के इनको देना पड़ेगा, नहीं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, हम बताना चाह रहे हैं यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, हमारी आस्था के साथ इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं सीधे सीधे। ये मंदिर अभी ये कहाँ था? ये माता जी का मंदिर यहाँ बीचों बीच में बना था, कल तक रात तक था मंदिर। ये अभी ये ठेकेदार द्वारा बुलडोजर डलवा के हटवाया गया, सवेरे सवेरे रातों रात बुलडोजर चलवा के हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सीधे सीधे गुमराह कर रहे हैं। हम प्रशासन की बात मानने के लिए तैयार है, उस दिन से मानने के लिए तैयार है। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हटेगा, हमारी आस्था का केंद्र है ये, जहाँ मंदिर बना था वहीं मंदिर रहेगा, और अब तो इनको नया मंदिर बनवा के देना पड़ेगा, कोई रहना नहीं, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मंदिर की जमीन दी गई थी। इसी तरह से सबसे पहले खबरों को पाने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।